गंगोत्री देवी महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के अंतिम दिन कॉलेज परिसर में योग ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षिका ममता पांडे ने स्वयंसेविकाओं को योग के विभिन्न आयामों की जानकारी के साथ योग प्रशिक्षण दिया। शिविर के दौरान कॉलेज की शिक्षिकाओं ने योग प्रशिक्षक ममता पांडे को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी, डॉक्टर सुष्मिता उपाध्याय सहित कई शिक्षिकाएं और छात्राएं मौजूद रहीं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी ने कहा, वो बच्चों के हेल्थ को देखते हुए कल इसीलिए आई चेकअप कराया गया था, कैंप लगाया गया था और आज महाविद्यालय में योग शिविर लगाया गया है, क्योंकि योग से बच्चों का जो हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट कराते हैं एनएसएस में, उसमें हेल्थ भी एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसीलिए हेल्थ के लिए मूव किया गया है, कैंप लगाया गया। यहाँ बच्चे जो हैं वो अपना योग में सारी योग साधनाएँ, वो ममता पांडे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग की योग गुरु हैं, उनको हम लोगों ने बुलाया था एज अ चीफ गेस्ट, वो आई हैं और हम लोग को इस तरह का योगा सिखाई है, बहुत सारे आसनों के बारे में उन्होंने बताया है। और हमारा जो आज हमारा 7वां दिन है कैंप का, लेकिन कल इसका समापन समारोह होना चाहिए था, लेकिन इसका समापन समारोह हम लोग 13 तारीख को करेंगे। तब तक बीच में और भी डेंटल उस पर होगा, डेंटल हेल्थ पर कुछ सेमिनार टाइप का भी एक प्रोग्राम होगा जो अभी मंडे को हम लोग करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग समापन।